बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे और अल्लाह के रहमत और करम से आज अपना अगला व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं जा रहा हूँ खेत में भैंसों के लिए चारा काटने के लिए। चलते हैं, सबसे पहले यहाँ से दराटी उठानी पड़ेगी। देखें इधर पड़ी हुई बहुत सारी, एक उठा लेते हैं और एक चादर ले लेते हैं हम यहाँ से। और ये देखें, ये हैं हमारे खेत। और ये साथ में मेरा छोटा भाई हारिस है इसका नाम, इसको भी साथ लेके जा रहा हूँ। ये देखें, अभी गंदम का सीज़न है, गंदम बस पकने ही वाली है, लेकिन मैंने वो वाली काटनी है जो टूटी हुई है बीच में से, सिर्फ भैंस के लिए काटनी है। अभी तकरीबन 10-15 दिन बाद गंदम की भी कटाई होने वाली है। ये देखें जी, ये सारी जगह, ये सारी फसल टूटी हुई पड़ी हुई है, ये मुझे आज काटनी है। और ये भैंस के लिए ले जाना है क्योंकि वो भी भूखी है आज। ये देखें, ये काफी टूटी हुई है, इसको काटने में काफी मुश्किल हो रही है। बारिश की वजह से ज़मीन बहुत नरम है, इस वजह से ये मिट्टी भी आ रही है जड़ों के साथ। तो ये भी साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि मिट्टी वाली जो है वो भैंस खाती भी नहीं है, इसको ऐसे साफ करेंगे। बहुत पड़ी हुई है नीचे, इसकी वजह से ये साफ करना काफी मुश्किल हो रहा है। और एक गड्ढा तो बन गया, अभी बस हम इसे बन देंगे थोड़ा सा और काट के, ताकि भैंस के खाने का इंतजाम हो जाए। देखें, ये जगह तकरीबन साफ ही हो गई है, लेकिन ये जो नीचे पड़ा हुआ है बिल्कुल, ये बिल्कुल ज़मीन के साथ दबा हुआ है, ये काटने नहीं हो रहा, काफ़ी मुश्किल है। ये जो ऊपर ऊपर था वो सब काट दिया मैंने ताकि भैंस के लिए हो जाए।
हमारी बेंस हैं, तीन बेंस हैं ये। अब इनको हम वही गंदम डालेंगे जो मैंने अभी काट के लाई है। भैया कह रहा है कि अपनी भैंस को मैं खुद डालूंगा। ये वो घास है देखें जो कल मैंने काट के लाया था और आज सूखने के लिए रखा था, काफी हद तक सूख गया है। अब इसे अंदर करना है इकट्ठा करके ताकि बारिश की वजह से दोबारा गीला ना हो जाए। रात को बारिश का खदशा है।